गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की जन जागरण अभियान चलाए जाने को लेकर हुई बैठक पर तंज कसा। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि ये कांग्रेसी चुनाव के समय जन जन तक पहुंचने की बात करते हैं, पर क्या ये कोरोना काल या बाढ़ के समय जनता तक पहुंचे थे? ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए अनर्गल बातें ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब भी प्रदेश में गांधी परिवार आता है तो कांग्रेस पार्टी बैठक बहुत करती है, पर जैसे ही गांधी परिवार जाता है तो पार्टी बैठकें बंद कर देती है। इससे तो साफ सिद्ध होता है कि ये गांधी परिवार को दिखाने के लिए ही बैठकें करते हैं। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसियों को चुनाव के समय ही जनता की याद आती है, इसके पहले कोरोना काल हो या बाढ़ आपदा की स्थिति, एक भी कांग्रेसी कभी जनता के बीच नहीं गया। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेसी सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए आते हैं, वहीं हमारी पार्टी की बात करें तो विपरीत परिस्थिति में भी हमारे मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक सभी जनता के साथ खड़े रहते हैं। गांधी परिवार जब भी आता है तो ये बैठकें बड़ी करते हैं, वो चला जाता है तो बैठक बंद हो जाती है, लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव के समय तो जनता के बीच जाने की याद आती है। कोरोना काल में कोई इनमें से एक भी, जितने आपने नाम लिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, एक भी दिखाता क्या कहीं? सोच के बताएं, इसका जवाब दें माननीय कांग्रेस के बंधु। बाढ़ आई थी तब इन तीन में से कोई दिखाता क्या? जब ओला पड़ा था तब कोई इन तीन में से दिखाता क्या? वोटों की फसल काटने के लिए आ रहे, जैसे चैतुआ चैत काटने नहीं आते हैं फसल, गेहूं की काटने। जनता अब समझती है इन सबको, और ये भी देखा उनने कि जब ओले पड़े तो हमारे मुख्यमंत्री डगर डगर पे गए थे, खेत खेत पे गए थे, जब बाढ़ आई तब गए थे, और कोरोना काल में पूरी पार्टी पूरा संगठन कैंप लगा के अनाज बांटना हो, दवाई बांटना हो या अन्य काम करना हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसीबत के वक्त आते हैं। वहीं गृह मंत्री मिश्रा ने सावन के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी प्रदेश वासियों को भगवान शिव का पावन महीना शुरू होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शिव की आराधना करने का महीना है। शिव ही सुंदर है, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव के चरणों में नमन। इस बार 57 दिन सावन के हैं, आधिक मास है, और इसलिए ये धार्मिक पर्व की शुरुआत है सावन के माह की, भगवान शिव को आराधना करने की, साधना करने की दिन है। सभी को शुभकामना है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।